नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश सैनी। मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। मैंने मेरे अनेक वीडियोस में दान करने की बात की है। कुछ वीडियोस में कुछ धान्य का दान करने की बात की है, आपके साथ शेयर की है। कुछ जगह पे कुछ फल रखने की बात की है। दोस्तों, हमारे घर में जितनी भी धातु है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है या लोहा है, जितनी भी धातु है, वो सभी धातु का अलग अलग ग्रह से सीधा संबंध रहता है। तो कुछ धातु का दान करने से कुछ खास धातु का कुछ खास दिन पे कुछ खास जगह पे दान करने से उनसे जुड़े जो ग्रह है दोस्तों, उन ग्रह की शुभ दृष्टि हमारे जीवन पे बनती है। अगर वो ग्रह की वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है, बाधाएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ये सभी परेशानी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी, वो ग्रह शांत हो जाएंगे। तीन चीज का दान करना है दोस्तों, वो भी शनिवार के दिन, नई साल में पहले महीने में कोई भी शनिवार के दिन, एक दिन, एक बारी साल में ये दान करेंगे। अभी तक आप परिवार से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाए, परिवार से जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना जय श्री राम लिखे आप वीडियो बंद नहीं करेंगे, चैनल छोड़ के जाएंगे नहीं। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे। छोटी रिक्वेस्ट हर दिन करता हूँ, राम, राम का नाम आप अवश्य लिखें। दिवाली के बाद दोस्तों, पहला या तो दूसरा शनिवार है, तब तीन चीज लेनी है बाजार में से, आसानी से मिल जाएगी आपको। ज्यादा रुपये भी खर्च नहीं करने, मगर पूरी साल आपके जीवन में खासकर धन की वजह से जो समस्याएं आ रही है, परेशानी आ रही है, धन की वजह से, रुपयों की वजह से अवश्य दूर हो जाएगी दोस्तों। अब देखेंगे बदलाव कि नहीं, ये उपाय कर लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। बाजार में से पहले तो आप 500 ग्राम सरसों का तेल ले ले, बोतल, लीटर वाली, आधी लीटर वाली सरसों के तेल की बोतल आसानी से बाजार में, मार्केट में मिल जाती है। एक पीतल की छोटी घंटी ले और पीतल का दीपक, शनिवार के दिन ये सभी चीज सुबह में जाए, शाम पे जाए कोई बात नहीं, जब भी आपके पास समय है तब बजरंगबली के मंदिर जाए। जो नया पीतल का दीपक और पीतल की घंटी आपने ली है वो बजरंगबली के मंदिर में रख दे। आपने जो दीपक रखा है उस दीपक में सरसों का तेल डाल के एक दीपक अवश्य जलाए। पूरी साल के लिए जो भी कष्ट है, जो भी बाधाएं हैं, आने वाली साल में, नई साल में जो आ गई है, दूर करने के लिए बजरंग बली को प्रार्थना करें, राम नाम की माला करें, एक संकल्प करें दोस्तों।
एक मंदिर में बैठ के एक संकल्प करे। हर दिन रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र 11 बार बोले। बजरंग बली के मंदिर में ही ये संकल्प करे कि मैं ये मंत्र हर दिन रात को और सुबह को उठने के बाद 11 बार बोलूँगा, या तो दिन में इस टाइम पे 11 बार बोलूँगा। अब जहाँ भी है, कहीं भी है, चाहे आप ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, गाड़ी चला रहे हैं, नौकरी पे है, जब भी समय मिला, जो आपने समय तय किया है, जो संकल्प किया है, वो समय पे ये मंत्र 11 बार बोले। दोस्तों, प्रभावी और चमत्कारी मंत्र है। ओम वीर बटुकाय नमः। मन ही मन 11 बार ये मंत्र बोलना है। अगर रात सोने से पहले और सुबह में उठ जाने के बाद तुरंत ये मंत्र बोलते हैं, चौंकाने वाले फायदे होंगे, आप चौंक जाएंगे। नहीं तो पूरे दिन में कभी भी जब आपके पास समय है तब 11 बार ये मंत्र बजरंग बली को याद करके बोल दे। मगर जब संकल्प करते हैं तब एक समय तय करें, मैं हर दिन ये समय पे ये मंत्र 11 बार बोलूँगा, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। मंत्र आपको याद रह गया होगा, फिर से बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, आप लिख ले। ओम वीर बटुकाय नमः। ओम वीर बटुकाय नमः। बस दोस्तों, उपाय आप ठीक से समझ गए होंगे। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। वंदे मातरम।